हेलो एवरीवन, नमस्कार। माई सेल्फ डॉक्टर मनोज कुमार महतो, सीनियर कंसल्टेंट पीडियाट्रिक्स एंड न्यूबॉर्न स्पेशलिस्ट इन पार्क हॉस्पिटल, वेस्ट दिल्ली। आई एम एट 14 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस एंड 12 ईयर एक्सपीरियंस इन दिल्ली। सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द वेरी इंपॉर्टेंट एंड स्मॉल टॉपिक, सीजनल फीवर इन चिल्ड्रेन। तो आज आपके सामने बताते जा रहा हूँ कि जो सीजन में फीवर होते हैं का कारण क्या है, कैसे बच सकते हैं, क्या करना चाहिए हमें। बहुत सारे प्रॉब्लम होती है। तो सीजनल फीवर होता कब है? जब ये ट्रांजिशन होता है, लाइक मानसून के टाइम में, विंटर के टाइम में, तब ये हमारे बॉडी में इन्वायरमेंटल ऐसा अडेप्टेशन हो जाता है, जो तो कि वायरस और एलर्जन और इन्वायरमेंटल फैक्टर, तीन चीज़ें कॉज करते हैं मोस्टली ये फीवर की। तो इसका साइंस सिम्टम क्या होता है, इसके कैसे पहचान सकते हैं कि ये सीजनल फीवर है, बच्चे को हाई फीवर आएगा, बच्चे को रैशेस आ सकते हैं, बच्चे को डायरिया हो सकता है, बच्चा लिथार्जिक मतलब सुस्तपन हो सकता है, बच्चे को कभी खांसी जुकाम हो सकता है, तो हमें क्या करना चाहिए? पहली बात तो बच्चे को फीवर मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। बच्चे को हाइड्रेशन मेंटेन कीजिए, मतलब अच्छा पानी पिलाइए, लिक्विड जूस पिला सकते हैं। बच्चे को फीवर हो रहा है, फीवर मैनेज कीजिए एंड न्यूट्रिशन अच्छा दीजिए। और साथ में है कि आप अवॉइड ओवरक्राउडिंग प्लेसेस, मीन्स जहाँ पे ओवरक्राउडिंग है, क्राउडिंग ज़्यादा है, वहाँ पे अवॉइड करें। और यदि कुछ प्रॉब्लम हो रही है कि बच्चा सुस्त पड़ रहा है, बच्चे को ज़्यादा दस्त आ रहे हैं, बच्चे हाथ पर अकड़ रहे हैं, दौरे आ रहे हैं, तुरंत अपने जो पीडियाट्रिशियन हैं, आपके डॉक्टर हैं, उनको दिखाएं और कंसल्ट करें, क्योंकि ये सीजनल फीवर अच्छा नहीं है। बहुत सारे डेंगू केसेस आजकल बढ़ रहे हैं, मलेरिया, टाइफाइड एंड सीजनल फ्लू बढ़ रहे हैं, इस कारण से आपको ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद।